बार पहली तिमाही दे विच पहली तिमाही दे विच पहले क्वार्टर दे विच इस नवी एक्साइज पॉलिसी दे नाल पंजाब स्टेट नूं लगभग 1170 करोड़ रुपये का वाधू रेवेन्यू जिहड़ा गा इस नवी एक्साइज की पॉलिसी के कारण पंजाब के खजाने नूं जिहड़ा हैगा लाभ होया गा। जिहड़ा पैसा खजाने आउंदा रास्ते विच ये पोलीटिकल पार्टियां ये जिहड़े राज करदे सी लोक लुट लैंदे सीगे उन्हूं रास्ते विच ही जिहड़ा हैगा भ्रिष्टाचारी जमात जिहड़ी आ हड़प कर लैंदी सीगी। वो सारा पैसा हौली हौली जिहड़ा हैगा खजाने विच आउण लग्गिया। पहली बार पंजाब विचों शराब माफी का सफाया होयागा, पहली बार उन्हां लोकां दा पंजाब विचों सफाया होयागा जिहड़ा कि गैर कानूनी पंजाब विच शराब का धंधा करदे सीगे। पंजाब दे मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी बतौर मुख्यमंत्री सहुं चुकदे नेगे और पंजाब विचों जिहड़ा माफिया राज जिहड़ा भ्रिष्टाचारां दा राज जिहड़ा करप्शन दा राज दूसरियां पार्टियां चाहे श्रोमणी अकाली दल बीजेपी की अलायंस होवे चाहे कांग्रेस पार्टी होवे जिहड़ा पिछला लगभग 25 साल तो पंजाब विच वख-वख खेत्रां विच इन्होंने माफिया राज स्थापित किया सीगा उन्हूं पहली बार ईमानदार सरकार ने तोड़िया। पहली बार उस माफिया राज का अंत सरदार भगवंत सिंह मान जी की सरकार च होया, आम आदमी पार्टी की सरकार के अधीन होया। नवीं पॉलिसियां पंजाब विच इंट्रोड्यूस कीतियां गईयां जिथों जिथों मालिया आना सी जिथों जिथों रेवेन्यू आना सीगा जिहड़ा पैसा खजाने आउंदा रास्ते विच ये पोलीटिकल पार्टियां ये जिहड़े राज करदे सी लोक लुट लैंदे सीगे उन्हूं रास्ते विच ही जिहड़ा हैगा भ्रिष्टाचारी जमात जिहड़ी आ हड़प कर लैंदी सीगी। वो सारा पैसा हौली हौली जिहड़ा हैगा खजाने विच आउण लग्गिया। वख-वख खेत्रां दीआं जदों नवीआं पॉलिसियां बणीआं और उस पॉलिसी दे अधीन जदों सरकार बनण तों बाद मैनूं डिपार्टमेंट जिहड़ा मान साहब ने केजरीवाल साहब ने अरविंद केजरीवाल जी ने साडे पार्टी दे सुप्रीमो साहब ने फाइनांस एक्साइज प्लानिंग टैक्सेशन ये डिपार्टमेंट जिहड़े वो मैनूं सौंपे उन्हां दा काम दी जिम्मेवारी मैनूं सौंपी और GST दे विच पहलां ही मैं इस बारे थोड़े दिन पहलां दस चुक्या गा कि GST दे विच पहली बार होया गा कि 10,000 करोड़ तो उपर जिहड़ा मालिया GST च पहली बार 6 महीनों के किसी स्टेट ने जिहड़ा हैगा वो पार किया गा, पंजाब स्टेट ने पार किया गा। और हुण मैं जिहड़ा अज बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा गा कि पंजाब की एक्साइज पॉलिसी पंजाब की आबकारी नीति पहली बार लगभग 25-30 साल बाद पंजाब नवी आबकारी नीति जिहड़ी आ उहदा ऐलान होया, नवी आबकारी नीति इंट्रोड्यूस हुई पहली बार पंजाब दे विच। क्योंकि पंजाब विच जे आपां पिछे चले जाइए 92 तो 97 तक पंजाब विच कांग्रेस पार्टी की सरकार, 97 तो लैके 2002 तक पंजाब विच श्रोमणी अकाली दल BJP की सरकार, 2002 तो लैके 2007 तक पंजाब विच कांग्रेस पार्टी की सरकार कैप्टन साहब मुख्यमंत्री, 2007 तो लैके 17 तक लगातार पंजाब विच अकाली दल BJP की सरकार जिहदी सेंटर विच भी सरकार सी और पंजाब विच भी सरकार लगभग 4 साल सेंटर ते स्टेट दे विच इक्को जिही सरकार जिहड़ी आ उह रही, थल्ले अकाली दल ते BJP की सरकार उपर कल्ली BJP की जिहड़ी NDA दे नाल सरकार। 2017 तो लैके पंजाब विच 22 तक फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार कैप्टन साहब की सरकार, इक्को प्रकार की एक्साइज पॉलिसी पंजाब विच काम करती रही, इक्को प्रकार की एक्साइज पॉलिसी पंजाब विच करती रही। वड्डियां ट्रैजडियां होईयां पिछले साल तुहानूं पता गा कि कैप्टन साहब के राज दौरान तरनतारन अमृतसर विच वड्डी ह्यूज ट्रैजडी होई, 128 के करीब माड़ी शराब जहरीली शराब गंदी शराब माफिया की भेट के कारण लगभग पंजाब 128 तो उपर लोगों ने नौजवान लोगों ने अपनी जान जड़ी आ इन्हां दे शराब माफिया के कारण पंजाब के लोगों को इक्को समय के गवानी पई। कई बार इस समय दौरान 25-30 साल दौरान ह्यूज ट्रैजडीज होंदिया रहियां वड्डे पद्धर ते शराब की गैर कानूनी शराब के कारण शराब माफिया के कारण, जिस शराब माफिया नूं इह सरकारां चलाउंदियां सी सह दिंदियां सी उस दे कारण कई बार पंजाब जिहड़ा है वड्डे पद्धर दे उत्ते मौतां जिहड़ियां सीगियां वो जहरीली शराब पीण दे नाल होईयां। मान साहब ने सरदार भगवंत सिंह मान जी मानयोग मुख्यमंत्री साहब ने मैनूं हुक्म लाया कि नवीं पॉलिसी जिहड़ी आ एक्साइज की नवीं पॉलिसी तैयार की जाए। पहली बार नवीं पॉलिसी जिहड़ी एक्साइज की तैयार की गई, अज मैनूं इह दसदा बेहद खुशी हो रही आ इस गल का, मैं तुहाडे सामने जिहड़ा पंजाब के लोगों ने साझा कर रहा हाँ कि पहली बार पहली तिमाही दे विच पहले क्वार्टर दे विच इस नवी एक्साइज पॉलिसी दे नाल पंजाब स्टेट नूं लगभग 1170 करोड़ रुपये का वाधू रेवेन्यू जिहड़ा गा इस नवी एक्साइज की पॉलिसी के कारण पंजाब के खजाने नूं जिहड़ा हैगा लाभ होया गा, पंजाब के लोगों नूं लाभ होया गा। पहली बार
पंजाब विचों शराब माफी का सफाया होगा। पहली बार उन्होंने लोगों का पंजाब विचों सफाया होगा जिहड़ा कि गैर कानूनी पंजाब विच शराब का धंधा करते सीगे, जिहड़े गैर कानूनी तरीके दे नाल पंजाब दे एक्साइज दे विच जिन्हों का राज किया होया सीगा, जिन्हां ने पंजाब दे एक्साइज दे राही वड्डे पद्धर दे उत्ते मैं समझदा पंजाब दे सरकारी खजाने नूं चूना लाया। जे मैं इसे दी गल करां कि 2021 दी गल करिए, पिछले साल तो चले जाइए तो अप्रैल 1 अप्रैल तो लैके 12 अक्टूबर 2021 तक 3110 करोड़ रुपए जिहड़े वो उस समय कमाए गए सीगे। पर लेकिन इसे समय दौरान 2022 दे विच जदों नवी पॉलिसी आउंदी आ, जदों नवी सरकार आउंदी आ, जदों ईमानदार सरकार, जदों कट्टड़ ईमानदार सरकार पंजाब विच आउंदी आ, जदों आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब विच आउंदी आ, जदों अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा की जिहड़ी सरकार आ पंजाब विच आउंदी आ, तां पंजाब विच 4280 करोड़ रुपया 4280 करोड़ रुपए जिहड़े नेगे वो पहली बार एडा वड्डा जिहड़ा हैगा पंजाब विच शराब दे एक्साइज तो जिहड़ा मालिया पंजाब नूं प्राप्त होयागा। और 1170 करोड़ रुपए का एक वड्डा ह्यूज अमाउंट का वाधा पहली तिमाही दे विच पंजाब देखण नूं मिलेगा। और लगभग 37% जिहड़ा हैगा वाधा, और रिकॉर्ड वाधा इन्हां तिना महीनों दौरान पंजाब की नवी एक्साइज पॉलिसी के नाल पंजाब विच होयागा। और साडा टारगेट जिहड़ा गा इस बार साडा टारगेट जिहड़ा फिक्स किया होयागा, असीं 9000 करोड़ का टारगेट फिक्स किया गया कि पहला पिछली सरकार ने जिहड़ा पिछला टारगेट सीगा जिहड़ी कांग्रेस पार्टी की सरकार सीगी उस समय सिर्फ तो सिर्फ 6200 करोड़ रुपया दा जिहड़ा हैगा सी वो मालिया प्राप्त होया सी पूरे साल के दौरान, पर लेकिन असीं 3 महीनों के दौरान 4280 करोड़ रुपए जिहड़े हैगे नेगे उहदा मालिया पहली बार पंजाब नूं प्राप्त होयागा। ये वड्डा वाधा पंजाब विच तां होयागा क्योंकि पंजाब विचों शराब का माफिया उहदा लक तोड़िया गया, पंजाब दे विच शराब माफिया नूं खत्म किया गया, पंजाब विच शराब माफिया सी जिहड़ा उह इस समय खत्म हो चुकिया। यही कारण आ कि जिहड़ियां साडियां विरोधी पार्टियां नेगियां, जिहड़े साडे आपोनेंट ने, जिहड़े साडे विरोधी ने, वो लगातार सानूं किसे ना किसे बहाने कोई ना कोई एक्सक्यूज़ लैके कोई ना कोई तरीका बदल के जिहड़ा हैगा वो घेरन की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्होंने हाथ शराब माफिया ने मिले हुए सीगे, वो शराब माफिया दे नाल उन्होंने हाथ रंगे हुए सीगे, उन्हां नौजवानों दीआं लाशां नाल खेडदे सीगे, उत्थे शराब बेचते सी, गैर कानूनी शराब बेचते सीगे, और पंजाब में जिहड़ियां वड्डी पद्धर ते ट्रस्टी हो गईआं सी। जे आपां सारे दा एनालिसिस करिए जे इस नूं आपां देखिए कि जिन्ना वाधा हुण होयागा, जिस हिसाब नाल हुण वाधा होयागा, जे इहनूं आपां पिछे नूं चले जाइए कि 7% वाधा हुंदा रहिंदा हरेक साल, हरेक 5 साल दे विच या हरेक साल 7% का वाधा, 7% का वाधा रजिस्टर करते, तो इहदे नाल हुण तक शराब माफिया ने कल्ले पंजाब दे खजाने नूं पिछले 15 सालां दे विच लगभग 22,526 करोड़, जे आपां 7% दे वाधे नाल कर लीए क्योंकि इस वक्त 37% का वाधा होयागा, 37% का वाधा होयागा, जिहनूं आपां घटा के 7% ते लै जाइए, एवरेज कर लीए कि 7% का वाधा होना चाहिए सीगा, तो मैं समझदा पंजाब दे विच 22,526 करोड़ रुपया जिहड़ा गा वो इन्हां भ्रिष्टाचार दीआं पार्टियां, चाहे वह BJP आ, चाहे अकाली दल आ, चाहे कांग्रेस पार्टी आ, उन्होंने पंजाबियों का लुटिया, पंजाब के खजाने का लुटिया। जे मैं गल कर लाँ 2007 तो लैके 12 तक की गल करते हैं, लगभग जिहड़ा बनता गा 6700 करोड़ रुपया जिहड़ा हैगा इस लुट दा उस पार्टी ने जिहड़ी पंजाब विच राज करदी सीगी। और 7 तो लैके तां वैसे लगातार 7 तो लैके 17 तक पंजाब विच श्रोमणी अकाली दल ते BJP दी राज रहेगा। पहले 5 सालों दा 7 तो 12 की गल करिए लगभग 6700 करोड़ रुपया बनता गा, जे आप 12 तो लैके 17 की गल करिए लगभग 5700 करोड़ रुपया बनता गा, जे अगे जा जाइए अगले दिन पिछले 5 सालों दौरान और लगभग यह हैगा 8800 तो उपर बनता गा। सो मेरा कहने का भाव आ पिछले लगभग 15 सालों के लगभग 22,000 करोड़ तो उपर का 22,000 करोड़ तो उपर का वड्डा चूना इन्हां शराब के माफिया के राही पंजाब के खजाने में लग्या गया। ता ही मैं समझदा शराब माफिया पंजाब विचों बुरी तरह तहस नहस किया गया, बुरी तरह खत्म किया गया, सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई विच पंजाब विच खत्म किया गया। जे मैं इनफोर्समेंट की गल करा तो सब तो वड्डी पद्धर ते इनफोर्समेंट आ जिहड़ी वो पंजाब विच लागू हुई है, चाहे ENA की गल कर लीए, जे आपां कहीए कि ENA वो पहली बार वड्डी पद्धर ते पंजाब विच फड़िया गया, एक्सट्रा न्यूट्रल अलकोहल उहदी रिकवरी पंजाब विच वड्डी पद्धर ते हुई आ, जे जिहड़ियां इलिसिट वर्किंग सेल्स जिन्होंने आप भट्ठिया कह दें वो वड्डी पद्धर से पंजाब में फड़िया गई। समय दौरान मेरा कहने का भाव आ जिहड़ा माफिया से उन्होंने चारे पास्यों बुरी तरह वह लक
जिहड़ा तोड़िया गया उन्हूं खत्म किया गया पंजाब विच शराब माफिया नूं, तां ओह आम आदमी पार्टी की सरकार के समय होया गया। एक पासे कहिंदे ने कि और बड़े केंद्र सरकार लगातार बीजेपी की केंद्र की सरकार जिहड़ी आ लगातार इस पॉलिसी नूं तोड़न दे लई, इस पॉलिसी नूं खत्म करन दे लई लगातार चाहे कदे सीबीआई दे राहीं कदे ईडी दे राहीं साडे अफसर साहिबान नूं धमकाउण दा डराउण दा यतन कर रही आ। साडे अफसर साहिबान नूं बार बार बुलाया जांदा, डराया जांदा, धमकाया जांदा गा। इहदा मतलब की आ कि केंद्र दे विच जिहड़ी शराब माफिया वाली लॉबी आ, जिहड़े लोग ने जिहड़े पुराने समय शराब माफिया पंजाब च वी चलाउंदे रहे ने, पूरे देश चला रहे नेगे, उह किते ना किते सीबीआई नूं केंद्र सरकार दे राहीं बीजेपी दे राहीं साडे शराब उस माफिया दे राहीं मिलके साडे अफसर साहिबान नूं तंग कर रहे नेगे। पंजाब सरकार सरदार भगवंत सिंह मान जी समुची साड़ी सरकार जी सारे अफसर साहबान के डट के खड़ी आ, बिल्कुल भी किसी का वाल बिंगा नहीं होने देवे, बिल्कुल केंद्र सरकार दिया गिदड़ धमकिया नेगियाँ चाहे ईडी राही दी जाए चाहे वह सीबीआई राही दी जाए वह असं डट के जवाब देवे, क्योंकि पंजाब पहली बार एक ईमानदार पॉलिसी जी एक ईमानदार एक साफ सुथरी सरकार की पॉलिसी आई आ, और जिदे राही मैं समझना 1170 करोड़ रुपये का पहली बार इन तिना महीनों के दौरान बड़ा वाधा जिहड़ा पंजाब दे होया गा और पंजाब दे खजाने विच होया गा। सो मैं समझदा गा ये जिहड़ी गल करदे ने कि केंद्र सरकार वाले कदे कोई गल तोड़ लैंदे ने कदे कोई गल तोड़ लैंदे ने, कि बहुत सारे उन्होंने एजेंट ने गे बीजेपी के एजेंट ने या अकाली दल के एजेंट ने कांग्रेस पार्टी के एजेंट ने। मैं उन्होंने दसना चाहुंदा गा कि तुहाडे राज दे विच पंजाब विच 22,000 करोड़ तो उपर रुपया इस शराब माफी के राही तुसीं लुटिया, ईमानदार सरकार बनी आ और 1170 करोड़ तो उपर का वाधा पहली तिमाही के विच पहली फस्ट पहले तिना महीनों के दौरान जिहड़ा हैगा नवीं पॉलिसी आने तो बाद दर्ज किया गया। सो मैं अज इस गल लई तुहानूं सद्दिया सी, थैंक यू।